मिस्टर बहल, आपके क्लाइंट आज आने वाले हैं या नहीं? आई एम सो सॉरी योर ऑनर, वो कहीं फंस गए हैं। फंस तो हम गए हैं आपका केस लेके। हर वक्त आपके क्लाइंट का कोई ना कोई नया बहाना होता है। वैसे आज क्या बहाना है? एक्चुअली योर ऑनर, उनका एक्सीडेंट हो गया है। पिछली बार आपने कहा था कि उनको 104 डिग्री बुखार है और नेक्स्ट डे पेज 3 में उनकी फोटो आई थी जिसमें वो 104 ड्रिंक्स डाउन लग रहे थे। सो आर यू श्योर उनका एक्सीडेंट हुआ है? आई एम श्योर इज ऑन हिज वे योर ऑनर। सॉरी सॉरी योर ऑनर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पर आई एम योर नाउ। आर यू श्योर? आई वाज ऑलमोस्ट किल्ड योर ऑनर। एनीवे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आप विल आए हैं? सॉरी योर ऑनर, विल मेरे पास नहीं है। अगर विल लाता तो यहां टाइम पर नहीं पहुंचता। जस्ट अ मिनट, आई हैव हैड इनफ। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये केस इसी वक्त मिस्टर बजाज के फेवर में रूल कर देती, लेकिन कानून कहता है कि मुझे आपको और एक मौका देना होगा। अगर कल सुबह 11:30 बजे तक आप विल लेकर यहां नहीं पहुंचे तो मैं ये केस मिस्टर बजाज के फेवर में रूल कर दूंगी। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। जो विल मेरे पास है, मेरे पिताजी ने होशो हवास में फेंकी थी। जो विल अर्जुन बजाज के पास है, एक बीमार आदमी ने मरते हुए फेंकी थी। तो जो भी पूछना है उसे जाकर पूछो, मुझे मत पूछो। गेट आउट ऑफ हियर। उस टैक्सी वाले को कुछ करना पड़ेगा। तुम कुछ कर सकते हो शिव? अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लीगल और इलीगल दोनों ढंगों से। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और सेफ की चाबी भी उसके पास है, जो वो आसानी से देने वाला नहीं है। या तो वो बहुत पैसे चाहता है या तो वो बिल्कुल पागल है। मुझे सिर्फ अपनी चाबी से मतलब है, बाकी तुम जानो शिव। डू व्हाट यू हैव टू। क्या कर रही है तू? जा रही हूं अपने घर। ध्यान से देख, ये तेरा अपना घर है। ये सब उस चिकने की वजह से तू नाराज है। मेरी गलती नहीं है कुछ। गलती नहीं है तुम्हारी रघु, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम टैक्सी चलाते हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा, इसलिए सारी परेशानी अपने सर पे ले ली। तुम पहले से ऐसे ही हो, गलती करते हो लेकिन मानते नहीं हो। पता चल गया ना टैक्सी चलाता हूं। अब मैं इंश्योरेंस बेचता हूं, टैक्सी चलाता हूं, डांस बार में नाचता हूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिश्ता तो तुम्हारे नाम के साथ है सिर्फ, काम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है रघु कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं उस पराए आदमी से लड़ रही थी कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया। गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। सच तो यह है कि मैं सच बताने यहां आया था, लेकिन वो हरामी पहले से मेरी जन्म पत्री सुना रहा था तुझे। तो उसे देखकर तुम भाग गए? हाँ। चलो हटो। ए सुन, देख,
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू ऐसे नहीं जा सकती। तुम मुझसे प्यार करते तो मुझसे झूठ नहीं बोलते, मुझे मारते नहीं तुम। ए, कब मारा तुझे? जब तूने कहा तेरे बाप से पैसे लूं, उसके साथ काम करूं, तू समझती है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं? और कितनी बार मारा? एक बार भी मारा? बात का बतंगड़ बना रही है। तुम्हारी मुश्किल यही है कि तुम्हें लगता है तुम्हें मदद करने वाला तुम्हें अपने से छोटा समझता है। तुम बाकी दुनिया से मदद ले सकते हो, लेकिन मेरे पिताजी मदद करना चाहेंगे तो नहीं। तू किस बात से परेशान है? मैं शराब पीता हूँ, तेरे बाप से पैसे नहीं लेता, टैक्सी चलाता हूँ, किस बात से नाराज है? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। ए, सुनना, मैंने कहा ना आई लव यू। नहीं रघु, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम अपने आप से प्यार नहीं करते। तुम खुद से खुश नहीं हो इसलिए तुम हमें खुश नहीं रख सकते। तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हें परेशान करती है इसलिए तुम घर आकर हमें परेशान करते हो, रोज दारू पी कर आते हो। नहीं, रोज किधर दारू पीता हूं मैं? और हम तुमसे डरते रहते हैं कि पता नहीं किस बात पे कब तुम झगड़ा करोगे। बात करते हो तो करेले से भी कड़वी, सुबह उठते हो तो लगता है जंग पे जा रहे हो। आजकल तो शर्म आती है मुझे अपने आप पे जब मैं ऋषभ से कहती हूँ कि ऋषभ अपने बाप जैसा मत बन। ए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जाना है ना जाओ, मुझे मालूम है तुम नहीं रह सकती मेरे सिवा। जानती है शादीशुदा औरत जब अपने बाप के घर जाकर रहती है तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? जा तू, जा, वापस यही आएगी कड़वे करेले के पास। जा तू, जा, चल जा।